जय हिंद फाउंडेशन सब्जेक्ट हिंदी की 5th क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम पेपर में आने वाले प्रश्न पाठ्यक्रम के आधार पर डिस्कस करेंगे। ये क्लास मात्र 10 मिनट की होने वाली है और ये क्लास 1st ईयर के सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे क्योंकि पेपर जो है अपना वो OMR सीट में होने वाला है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 85 तक कंप्लीट किया था, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 86 से। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन। जीप पर सवार इल्लियाँ व्यंग पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन ए गोपी चंद सिंधी, ऑप्शन बी शरद जोशी, ऑप्शन सी नरोत्तम दास, ऑप्शन डी प्रभु नारायण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी शरद जोशी। जो जीप पर सवार इल्लियाँ एक व्यंग पाठ है उसके लेखक शरद जोशी। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव बन रहा है, अगर आ जाए कि जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा में लिखा गया है तो उसका राइट आंसर होगा व्यंग, मतलब वो व्यंग की विधा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इल्ली को किसकी पुत्री बताया गया है। ऑप्शन ए पृथ्वी की, ऑप्शन बी चने के पौधे की, ऑप्शन सी अन्न की, ऑप्शन डी गोबर की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी की। इल्ली को पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। वो जो लेशन है एक जीप पर सवार इल्लियाँ उसमें इल्ली को पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाध मित्र कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए बड़ा अफसर, ऑप्शन बी बड़ा किसान, ऑप्शन सी बुद्धिमान, ऑप्शन डी कलाकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्धिमान। हमारे एकाध मित्र बुद्धिमान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता अफसर को याद थी। ऑप्शन ए नगर जीवन पर लिखी गई, ऑप्शन बी ग्राम जीवन पर लिखी गई, ऑप्शन सी ऋतु परिवर्तन पर रची गई, ऑप्शन डी खेती के महत्व पर रची गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राम जीवन पर लिखी गई थी। मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी गई कविता अफसर को याद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किस बात का भय था। ऑप्शन ए खेत उजड़ जाने का, ऑप्शन बी अफसर की डांट खाने का, ऑप्शन सी जुर्माना भरे जाने का, ऑप्शन डी खेत जब्त हो जाने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी खेत जब्त हो जाने का। किसान हाथ जोड़कर क्यों कांपने लगा था, किसान हाथ जोड़कर इसलिए कांपने लगा था क्योंकि उसको अपने खेत जब्त हो जाने का भय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि प्रणीत रामायण में कुल कितने कांड या अध्याय होते हैं। कांड को ही अध्याय कहते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि रामायण में कुल कितने अध्याय होते हैं या रामायण में कुल कितने कांड होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 7। रामायण में कुल 7 अध्याय होते हैं या रामायण में कुल 7 कांड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि प्रणीत रामायण में कुल कितने श्लोक होते हैं। ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी 24,000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 24,000। वाल्मीकि प्रणीत रामायण में कुल 24,000 श्लोक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के प्रचलित संस्करणों में सर्वाधिक प्रामाणिक कौन सा माना जाता है। ऑप्शन ए बम्बई संस्करण, ऑप्शन बी पश्चिमोत्तर संस्करण, ऑप्शन सी दक्षिणात्य संस्करण, ऑप्शन डी बंगला संस्करण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बम्बई संस्करण। रामायण के प्रचलित संस्करणों में सर्वाधिक प्रमाणिक बम्बई संस्करण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन पाया जाता है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी इन सभी में। तो इसका राइट आंसर होगा इन सभी में, राम कथा का वर्णन इन सभी में पाया जाता है, वेद उपनिषद ब्राह्मण सब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि प्रणीत रामायण के
कौन से कांड या अध्याय प्रक्षिप्त माने जाते हैं? ऑप्शन ए बाल कांड, ऑप्शन बी उत्तर कांड, ऑप्शन सी युद्ध कांड, ऑप्शन डी बाल कांड एवं उत्तर कांड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बाल कांड एवं उत्तर कांड। रामायण में बाल कांड एवं उत्तर कांड प्रक्षिप्त माने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यत्व की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी शांत रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करुण रस। रामायण में करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि प्रणीत रामायण में किसका चरित्र प्रधान रूप से वर्णित है? ऑप्शन ए श्री राम का, ऑप्शन बी लक्ष्मण का, ऑप्शन सी दशरथ का, ऑप्शन डी रावण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्री राम का। श्री राम जी का चरित्र प्रधान रूप से वर्णित है रामायण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में किस अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है रामायण में। रस का तो करुण रस का सबसे ज़्यादा हुआ है और अलंकार में अनुप्रास अलंकार का सबसे ज़्यादा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि प्रणीत रामायण को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए आदिकाव्य, ऑप्शन बी उपजीव काव्य, ऑप्शन सी राष्ट्रीय काव्य, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण के प्रणेता महर्षि वाल्मीकि का पूर्व नाम क्या था? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुणाकर, ऑप्शन बी साधनाकर, ऑप्शन सी रत्नाकर, ऑप्शन डी महेंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रत्नाकर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा, क्योंकि वाल्मीकि जी का पूर्व नाम क्या था? रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम थे एक आदर्शवादी। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पति, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि राम एक अच्छे पुत्र भी थे, एक अच्छे पति भी थे और एक अच्छे भाई भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कहाँ के राजा थे? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी लंका, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए संवत 1947 में, ऑप्शन बी संवत 1948 में, ऑप्शन सी संवत 1949 में, ऑप्शन डी संवत 1950 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी संवत 1949 में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म संवत 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए गोंडा में, ऑप्शन बी बस्ती में, ऑप्शन सी देवरिया में, ऑप्शन डी बहराइच में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बस्ती में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1911 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग का अध्यक्ष 1914 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामबली शुक्ल, ऑप्शन बी चंद्रावली शुक्ल, ऑप्शन सी श्रीकांत शुक्ल, ऑप्शन डी वीरभद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रावली शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का क्या नाम था? चंद्रावली शुक्ल।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था 1949 में, एक बस्ती में उनका जन्म हुआ था, और उनके पिता का नाम चंद्रावली शुक्ल था। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लाइव चैट में मेरे साथ साथ सारे आंसर्स के रिप्लाई भी कर सकते हैं।